बसमिल रमन रही वी आर डूइंग एडवास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटीज आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है सो मेक श्योर वी गिव इट प्रॉपर कंसनट्रेशन और आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च uh, भी करें व्हाट इज़ इट अबाउट प्रैक्टिकली ये क्या और वी विल गिव यू एग्जाम्पल्स बोथ इंटरनेशनली और लोकली बट थोड़ा सा ज़रा आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस पर सर्च अराउंड इट गूगल एड थोड़ा सा इसमें यू हैव अ मोर लर्निंग कर्व फॉर दैट इट इज अबाउट डेल्टा हेज। हेज का वर्ड हमने बल्टी टाइम बात की हुई है वे ऑफ सेफ गार्डिंग बट वन विच से डेल्टा हेज, वट डज दैट मीन डेल्टा इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन रेलिटिव टू चेंज इन मूवमेंट इन द मार्केट प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी इन सिंपल वर्ड आपने एक कंपनी के शेयर पे ऑप्शन ली हुई है तो क्वेश्चन इज के अगर शेयर की प्राइस में जितनी चेंज आती है क्या आपकी ऑप्शन की प्राइस में उसकी कितनी चेंज आती है दैट इज बींग गेज थ्रू डेल्टा तो वो डेल्टा गेज कर रहा था कि कितना इम्पैक्ट है डेल्टा हैज इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट रिड्यूस द डायरेक्शनल रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ये हमारे पास एक शेयर पड़ा है उसकी प्राइस गिरती है तो हमें लॉस होने का चांस है तो डेल्टा हैज विल ट्राई टू

और इन अ पोर्टफोलियो किसी एक शेयर इंडिविजुअल की भी हम बात कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो होल्डिंग के लिए भी हम यहाँ बात कर रहे हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ ऑप्शन ऑफ टेस्ला शेयर अ डेल्टा ऑफ पॉइंट एट टेस्ला का शेयर है उसकी पॉइंट एट का डेल्टा है इट इम्प्लाइज दैट एज अंडर लॉइंग स्टॉक मूव प्राइस मूव बाई वन डॉलर द ऑप्शन विल राइज बाई पॉइंट एट डॉलर मतलब ये कि हमने उसको कहा है कि पॉइंट एट है तो एक डॉलर का अगर उसमें चेंज आएगा तो उसके जो ऑप्शन में चेंज है वो पॉइंट एट है तो ऑप्शन विल राइज बाई पॉइंट एट बाई वन डॉलर राइज इन मार्केट प्राइस तो ये यू कैन सी कि अब इससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे कितने ऑप्शन चाहिए इन ऑर्डर टू हैज माई पोजिशन अगर मेरे पास पाँच सौ स्टॉक हैं तो इसका मतलब है पाँच सौ ऑप्शन काफ़ी नहीं होंगे बिकॉज डेल्टा इसका वन से कम है

एज्यूमिंग अंडर लाइंग एसिड फॉल्स बाय डॉलर क्योंकि अगर एक डॉलर गिरता है इसमें तो ऑप्शन में जो राइज आएगी वो पॉइंट सेवन फाइव तो ये गेज है कि ऑप्शन की लिंकेज अंडर लाइन के साथ क्या है तो वाइस वर्साइज सेम ऑब्वियसली अगर वो प्राइस कम होती है या ज्यादा होती है तो फिर ये उसमें उल्टी साइड पर मूवमेंट होता है तो यानी कि डेल्टा का रिलेशनशिप हम यहाँ से इस्टेब्लिश हैं कि अंडरलाइंग और ऑप्शन की मूवमेंट क्या है द डेल्टा ऑफ डेरीवेटिव सिक्योरिटी टेल्स योर रिलेशनशिप बिटवीन अंडरलाइंग सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी प्राइस इट सेल्फ मतलब उनका आपस में क्या लिंकेज है वो इस्टेब्लिश हो रहा होता है इट रिप्रजेंट द अमाउंट द प्राइस ऑफ डेरीवेटिव विल चेंज वेन देर इज अ चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस डेरीवेटिव की प्राइसिंग में कितनी फर्क आएगा जब आपके अंडरलाइंग में जो चेंज आएगी फॉर एग्जाम्पल यू बाय अल ऑप्शन इंक्रीज इन प्राइस वही सेम वॉजिक की बात हम यहाँ पे थोड़ा वाइडली करके कर रहे हैं बिकॉज आपको क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है टू मेक श्योर यू हैव अ थॉरोग्रासल्टा न्यूट्रल स्टेट इन्वेस्टर क्या चाहेगा इन्वेस्टर चाहेगा कि डेल्टा न्यूट्रल हो जाऊँ मतलब ये कि शेयर अगर की मेरी प्राइस गिर जाए तो मेरा डेल्टा इस तरह का हो मेरे यहाँ स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि आई कैन बी सेफ मुझे लॉस ना हो या कई दफ़ा जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए देखते हैं कि मुझे कितने एसेट पीछे रखने हैं अगर मैंने ऑप्शन इतनी लिखनी है डेल्टा हाइजिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटी मेनली यूज बाय इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट बैंक ऑप्शन लिखते हैं तो वो बैक एंड पे देखते हैं मुझे कितने शेयर पीछे रखने हैं मैं अगर 500 ऑप्शन लिख रहा हूँ तो मुझे पीछे 500 शेयर रखने की जरूरत है या मेरा 200 से भी काम हो जाएगा अगर तो डेल्टा वन होगा तो फिर शायद 500 ही लेने पड़े अदरवाइज विल हैव वी कैन कीप लेस शेयर एंड आर पोजीशन इज सिक्योर और हम वहाँ से अपना प्रीमियम कमा सकते हैं तो ये एक हाई uh, लेवल की स्ट्रेटी है जो कि आम छोटे इन्वेस्टर नहीं इतना ज़्यादा कर रहे होते Big investors, investors, या themself, वो कर रहे होते हैं डेल्टा गैमा हैजिंग इज एन ऑप्शन स्ट्रेटी दैट कंबाइंस बोथ डेल्टा एंड गैमा हैजेज टू मिटिगेट द रिस्क इन चेंजेस ऑफ अंडरलाइंग एंड एंड डेल्टा इट अब बेसिक बात ये गैमा का लफ्ज हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि डेल्टा जो है वो भी कोई लॉक पोजिशन नहीं है अब हमने जैसे अभी आपने देखा हमने पॉइंट एट डेल्टा की बात की या पॉइंट सेवन फाइव डेल्टा की बात की तो ये सारी उम्र इतना ही नहीं रहना ये डेल्टा में भी चेंज आ जाएगी वो तो एज ऑफ नाउ इतना डेल्टा था या हिस्टोरिकली जो हमने कैलकुलेट किया तो इसमें जो इसकी जो अपनी चेंज आ सकती है दैट इज़ बीग कैप्चर्ड थ्रू गैमा मैंने आई टोल्ड यू कि इट्स अ न्यू एरिया आई एम गोइंग स्लो इसको आप थोड़ा ग्रास्प करें री लेन टू इट इफ नीडिड डेल्टा so, की, की जो चेंज है उसके अंदर अपनी परसेंटेज में भी मूवमेंट हो सकती है तो दैट इज बीन कैप्चर्ड थ्रू गैमा तो इस तरह हम ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करके इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं बोथ डेल्टा एंड गैमा हेल्प टू गेज मूवमेंट इन एन ऑप्शन प्राइस रिलेटिव टू हाउ इन द मनी और आउट ऑफ मनी ऑप्शन इज़ के इन द मनी के लिए उसका और फर्क डायनेमिक होगा आउट ऑफ मनी में उसकी इम्प्लीकेशन फ़र्क आएगी बट बोथ दीज आर ज्वाइंट टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट्स ऑन द ऑप्शन और दिस वे वी विल यूज़ इट वी बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इट बट आई स्ट्रांगली एडवाइज टू टू गो इट थरली और इसको पीस मील में आप इसको मूव करें थैंक यू